हाँ जी, वीडियो बनाना है तो बस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्क राइडर, और स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ मेरे चैनल पे। सो आज यार हम जा रहे हैं लच्छीवाला हाईवे में Z900 को लेके, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ड्रैग रेस Z800 और Z900 की। काफ़ी टाइम से वेट था मैं इस चीज़ का, इस वीडियो का, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा वेट था ड्रैग रेस का 900 और 800 के बीच में। सो फाइनली वो अब करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम निकले हैं रायपुर से लच्छीवाला की ओर जा रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं यार उस वाले हाईवे पे और मैं आपसे सीधा वहीं पर मिलता हूँ। सुबह हम आ चुके हैं थानों के जंगलों में, लच्छीवाला वाला हाईवे में हमने रेस नहीं करी क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था। सो अभी साइड में लगाई है बाइक, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बाइक को, फिर ड्रैग रेस देखते हैं अभी। हाँ जी, वीडियो बनाना है तो बस। हाँ जी, इससे बनती है ना वीडियो, नहीं शोल्डर पे नहीं लगता, ये लगता है ठीक है। और वो मत करना, कितने आते हैं शोल्डर पे? नहीं ना ना, वो नहीं तेरे वो वाला गाड़ी गुड़ में कहीं मार रहा है, ऐसा नहीं कि पता चला तुम यहां इस रोड पे वो करने ना ना, तभी कोने पे लगा देना, वहां भीड़ हो रही थी, साइड पे लगा दी तभी गाड़ी हमने। ठीक है सर, ये शूट कर सकते हैं ठीक। सो भाई ड्रैग रेस का भी देखेंगे हम, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा पुलिस वाले अंकलों ने भी मना करा ड्रैग रेस के लिए। सो देखते हैं अभी, चेक करेंगे अगर आसपास नहीं हुए तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे अभी ड्रैग रेस फिलहाल। बाकी आपको गाड़ी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये है Z800 2017 मॉडल और ये है Z900 2022 मॉडल। सीसी में काफ़ी फ़र्क है, ये 806 में है और ये जो है 958 सीसी में। BHP में भी फ़र्क है लगभग 10-12 का, वो 123 है, ये 112 है। बाकी यार टायर तो दोनों में सेम ही आते हैं, आगे 120 और पीछे जो है 180 आते हैं। एक और डिफरेंस इसमें है भाई सीट का, कि सीट काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और छोटी भी है यार, कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी जो भी पीछे बैठेगा उसके लिए। इसकी थोड़ी सॉफ्ट सी है, थोड़ी बड़ी भी है। बाकी इसमें लगा है भाई एग्जॉस्ट वो सिस्टम टाइटेनियम, और मफलर लगा है इसमें योशिमुरा का जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर साउंड बहुत ही प्यारी है इसकी। बाकी अपने 800 में लगा है SC का। बाकी यार इसमें एक डिफरेंस और है, इसके मोड जो Z800 आती है वो तो पूरी रॉ आती है, इसमें भाई चार मोड आते हैं, स्पोर्ट्स, रेन, राइडर और जो नॉर्मल होता है वही। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and damn. तो भाई अब करेंगे ड्रैग रेस शुरू। यहाँ से भीड़ कम होने के बाद अभी गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, रोड अभी हो चुकी है खाली, अब करते हैं शुरू 3 ओरन पे। अभी ये नॉर्मल मोड में, स्पोर्ट्स मोड में जिसमें 100% पावर है। Z800 जीती हुई, अब वो क्यों जीती, क्योंकि शायद गियर मारने में थोड़ा सा अटक गया मेलो। क्या दिक्कत हुई? एक तो न्यूट्रल हो गई थी और ऊपर से उठ रही है, नहीं हो पाएगी। सो ट्रैक्शन में डाल देना, ट्रैक्शन में ही तो है, ट्रैक्शन में भी उठ रही थोड़ी तो उठती है, तो क्या हवा उठने देना, इतनी मत उठाइयो पूरी, अगर पूरी उठ गई तब देखियो। उठ रही तो डिसबैलेंस हो जा रही ना वो। सो भाई Z900 क्या है, हवा में उड़ जा रही है, जब उसका RPM आगे हिट हो रहा है पहले गियर का
इसी वजह से गियर नहीं लगा मेलो से और Z800 आगे निकल गई। अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं, मैंने बोला उसे कोई नहीं उठ रही है तो थोड़ा पहले गियर चेंज कर ले, देखते हैं अभी सीन क्या होगा। अभी हम आगे से जाएंगे राउंड लेके, फिर सीधा जाएंगे लंबे पैच पे जहाँ तक रोड खाली है, बार फिर ट्राई करते हैं। और ये सीन भाई, अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ में हो रहा है, अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन में हो रहा है ये सीन। अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देंगे तो ये पूरा हवा में ही आ जाएगा टायर। काफ़ी डिस्टेंस आ गया यार Z800 और Z900 के बीच में, क्योंकि इस बार पहले गियर चेंज कर दिया मेलो ने, टायर उठने नहीं दिया। बाकी यार बीच में दो गाड़ियां भी आ गई थी तो मैंने पहले ही रोक दी थोड़ी, क्योंकि मेरे उसमें क्या है ब्रेकिंग थोड़ी कम है, 900 में बढ़िया ब्रेकिंग है, ये भी एक डिफरेंस है। चलाएंगे Z900 और देखते हैं कैसी भागती है ये। स्पोर्ट्स मोड में अभी, और स्पोर्ट्स मोड में ही करेंगे हम, क्योंकि भाई 100% पावर इसी में है और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन भी इसी में है। ऑफ कर दिया तो भाई टायर हवा में ही आ जाएगा, जो कि रिस्क है बहुत ज़्यादा। वैसे हवा में तो इस वाले मोड में भी आ रहा है, पर देखता हूँ मैं, लिमिटर आने से पहले ही गियर चेंज कर दूंगा ताकि हवा में ना आए टायर। तीन हॉर्न पे, थोड़ा लेट हो गया भाई मैं गियर मारने में, उस चक्कर में 800 आगे निकल गई भाई। बहुत ही ख़तरनाक मशीन है भाई ये, भाई हवा में आ जा रही है। और अभी तो टायर भी फिसला था जब मैंने लॉन्च करी है, अभी टायर स्लिप खा गया इसका, ये बगल में जो काई है उस पर एकदम से ऐसे कंट्रोल होगी नहीं गाड़ी है। अभी तो मैंने खैर लिमिटर पहले होने से ही मार दिया गियर चेंज, लिमिटर रीच होने से। यार बारिश भी लग चुकी है तो फटाफट निकलते हैं पहले यहाँ से। आउटकम्स जो है वो आपने देख लिए, Z800 एक बार जीती, वो भी भाई गलती से जीती, पर जीती। बाकी Z900 दो बार है, 2-1 का रेशियो है Z900 जिसके साथ जीती हुई ड्रैग रेस में। अभी हमने एक ही मोड में करा, स्पोर्ट्स मोड में भाई, इसलिए करा क्योंकि 100% पावर इसी में है, और भाई ड्रैग रेस का फिर फ़ायदा है क्या जब 100% पावर में ना करो गाड़ी को रेस, तो तभी तो मज़ा है जब गाड़ी पूरी लिमिट से रेस करे। तो यार सभी मोडों में हमने रेस इसलिए नहीं करी क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, दोनों में एग्जॉस्ट लगे हुए हैं फुल सिस्टम, 800 भी फुल सिस्टम है और 900 भी, और आपने देख लिया पुलिस वालों ने हमें रोका कैसे, ड्रैग रेस करने से वैसे ही मना करा था उसने, स्टंट वगैरह कुछ भी। सो इसलिए हमने एक ही मोड में करी, ज़्यादा टाइम था नहीं, बारिश भी हो चुकी है अभी, जल्दी जल्दी ब्लॉक ख़त्म भी करना है अभी। सो इसलिए एक ही मोड में हुआ, और एक मोड में भी भाई ढंग से नहीं हुआ क्योंकि Z900 में भाई क्या ही बोलूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा पावर है अगले टायर उठाने की, जिस हिसाब से इसका वेट है उस हिसाब से पावर ज़्यादा ही दे रही थी इसमें। सो अभी फटाफट किसी जगह पर रुकते हैं वरना अपना GoPro और माइक दोनों ख़राब हो जाएगा, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ इस व्लॉग को। सो भाई अब जाके रुकी है बारिश और कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। सो भाई टॉप स्पीड वगैरह जो भी होगी बाकी वो हम हाईवे में बता दूंगा मैं आपको, कभी अगर हाईवे राइड गए हम, शायद अगले संडे अब जो आने वाला है तो हाईवे राइड ही करें उसमें शायद। सो टॉप स्पीड वगैरह वहाँ चेक कर लेंगे क्योंकि सुबह जल्दी जाएंगे हाईवे में तो तभी मिलेगा हमें भाई थोड़ा सा खाली हाईवे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को लाइक करना और वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो वीडियो पर, वीडियो को लाइक करो और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ हमारे, आगे कंटेंट लाते रहेंगे हम सुपर बाइक की ऐसी। बाकी आपसे अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।